हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और फिलहाल मैं हूं बीकानेर की यात्रा पर और दिखा रहा हूं आपको बीकानेर के जो खास खास स्थान है वो। और आज इस व्लॉग में भी आपको दिखाने वाला हूं एक और खास स्थान जो है बीकानेर की शान। जी हाँ, यह कहलाता है लालेश्वर महादेव मंदिर, जो है ठीक मेरे पीछे। क्या है इस मंदिर की खासियत, वो आपको बताऊंगा मंदिर के अंदर जाकर। पहले करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। तो ये है लालेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए आप, ये है इसका प्रवेश द्वार और यह स्थित है शिवबाड़ी में, जो कैमल फार्म रोड है उसके ऊपर। और देख सकते हैं आप यहाँ पे दर्शन के समय को भी। शिवबाड़ी में स्थित लालेश्वर महादेव का यह जो मंदिर है, जो लाल पत्थर से बना हुआ है, इसका निर्माण करवाया था यहाँ के महाराजा डूंगर सिंह जी ने। और यहाँ का जो शिवलिंग है वह भी बेहद खास है। कैसे है वो शिवलिंग खास, ये तो तभी जानेंगे आप जब जाएंगे आप भोले बाबा के शिवलिंग के पास। तो यह मंदिर भी जो है लगभग 150 साल पुराना है। आप देखिए मंदिर का जो कंपाउंड है ऐसा है, काफी खाली जगह है यहाँ पर। और वो स्थान जो है नारियल बधारने के लिए है, जो भक्तगण लेके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं दर्शन लालेश्वर महादेव मंदिर के, जो मुख्य मंदिर है यहाँ। जय हो भोले बाबा की। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो प्रवेश द्वार है मंदिर का, इसके ऊपर कितनी बारीक नक्काशी की गई है पत्थर के ऊपर। लाल पत्थर से ही बना हुआ है यह, जैसा कि आपने देखा था बीकानेर की हवेलियों को। ये वाले फूल अलग तरीके के हैं, ये बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर आ गई है ज्योमेट्रिकल शेप, जो स्क्वायर होते हैं, वर्ग जो होते हैं वो है यहाँ। और अंदर आने पर हमें दिखाई देते हैं भगवान शिव। ये देखिए उनके राइट हैंड साइड में है गणेश जी। रोशनी थोड़ी सी अभी कम है इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ, बस अंदाजा लग रहा है कि हाँ शिव जी जो है अर्धनारीश्वर रूप के अंदर है। पीतल का दरवाजा है यह। तो यहां से लालेश्वर महादेव मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वहां प्रविष्ट होते हैं। और जैसे ही हम आगे आते हैं यहाँ पे है नंदी भगत की प्रतिमा, धातु की बनी हुई, आप देखिए ये है। और इनके ठीक सामने ही देखिए विराजमान है लालेश्वर महादेव पंचमुखी रूप के अंदर। ये देखिए आप उनका भव्य रूप। और राइट हैंड साइड में है पार्वती मैया, और पार्वती मैया के पास में ही है राज राजेश्वरी माता की प्रतिमा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है हमारे लालेश्वर महादेव जी पंचमुखी रूप के अंदर मेरे लेफ्ट में, और प्रभु के राइट के अंदर है भगवान गणेश जी। और उनके पास ही हैं उनके बड़े भ्राता कार्तिकेय स्वामी जी। इस तरह आप यहां आकर कर सकते हैं संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन। तो अंदर आप देख सकते हैं यह पेंटिंग बनाई गई है ऐसे, और नीचे भी बहुत बारीक बारीक काम है। और इसमें जो आप सुनहरा रंग देख रहे हैं यह सोना ही है। जी हाँ, सोने का ही प्रयोग किया गया है। महाराजा डूंगर सिंह जी ने जब इसको बनवाया था तो बहुत अच्छे तरीके से बनवाया था। इससे आगे हमारा जाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप बाहर भी देख सकते हैं ये सब जो है यह सोने का काम है। और लगभग 150 साल पुराना जो समय हो चुका है उसके बावजूद भी यह कितने अच्छे तरीके से अच्छी कंडीशन के अंदर है, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से भाग पर ऐसा किया गया है, बल्कि आप जैसे ही परिक्रमा करेंगे पूरी पूरी मंदिर की आपको छत पर ऐसा ही काम दिखाई देगा। शिकार करते हुए शेर भी है, हाथी भी है। और यहां पे है भगवान कृष्ण, ये देखिए। यहां पे है भगवान गणेश। संहार करता भगवान का स्वरूप अघोर है यहाँ पर, ये देखिए देख रहे हैं आप।
मंदिर के चारों कॉर्नर्स पे हैं भगवान शिव के चार अवतार। यहाँ पे है सधोजात, देखिए यह है मंदिर का पिछला भाग, आप देख सकते हैं इन लाल रंग के स्तंभों को। और यहाँ पे है आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा मंदिर के पिछले भाग में, और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ है एक फंवारा जो अभी चल नहीं रहा है, और काफ़ी पेड़ लगे हुए। और यहाँ पे है तोतों की फौज, ये देखिए सुन सकते हैं आप उनकी आवाज़। शाम का समय हो चुका है, गर्भगृह का पिछला हिस्सा है यह है। यहाँ पे पालनकर्ता वामदेव अवतार, और यहाँ पे है महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी की प्रतिमा, और यहाँ पे है भगवान शिव का निग्रहकर्ता रूप तत्पुरुष। तो भगवान शिव के जो ये पांच अवतार हैं, सधोजात, अघोर, तत्पुरुष और वामदेव और ईशान, तो चार के आप दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पर जो पांचवे जो स्वरूप है उनका, ईशान वाला जो स्वरूप है वह पहली मंजिल के ऊपर है, वहां पर हमारा जाना संभव नहीं है। लेकिन भगवान शिव की यहाँ पे पंचमुखी प्रतिमा है, तो इनके जो पांचों अवतार हैं वह भी यहाँ पर सुशोभित है। चार दिशाओं में चार अवतार हैं और एक अवतार जो है ऊपर की तरफ है, और वहां जाने का रास्ता है वो यहां से है। आप देख सकते हैं यह बंद है। ईशान स्वरूप जो है वो है अनुग्रहकर्ता के रूप में। अब व्लॉग देख के कुछ भक्त बोलेंगे भगवान शिव के परिक्रमा नहीं की जाती है, तो उन्हें बताना चाहूंगा कि जहां पे भगवान शिव पे चढ़ाया हुआ जल बाहर की तरफ जाता हो वहां पे आप परिक्रमा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इसीलिए यहां पे परिक्रमा के लिए स्थान बनाया गया है और मैं परिक्रमा कर रहा हूं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए, जहां पे जल की धारा बहती हुई जा रही हो आप उसे उलांग नहीं सकते हैं, वहां पे आप परिक्रमा मत दीजिएगा, यहां पे आप कर सकते हैं। खास बात यह है कि जो गर्भगृह है इसके चारों दिशाओं पर ऐसे ही द्वार हैं, और इसके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई गई थी, यह जो अभी समय के साथ में थोड़ी काली पड़ गई है, लेकिन यह चांदी की परत है। चारों दिशाओं में ही है ऐसे द्वार। तो यूं पूर्ण होती है हमारी परिक्रमा। जय हो लालेश्वर महादेव की। जो आपने भगवान शिव का, लालेश्वर महादेव जी का पंचमुखी स्वरूप देखा था, तो जिस पत्थर का प्रयोग किया गया है निर्माण के लिए वह पत्थर कसौटी पत्थर है, काला पत्थर है। और जो एकलिंग जी का जो मंदिर था जहां मैंने दर्शन किए थे लेकिन आपको दर्शन नहीं करवा पाया था क्योंकि वहां पर शूटिंग अलाउड नहीं थी, वहां पर भी ऐसे ही मतलब पंचमुखी स्वरूप है, काले पत्थर की जो प्रतिमा थी वहां भी। और जो नेपाल में जो पशुपतिनाथ जी का भी जो बताया जाता है वह भी पत्थर ऐसा ही बताया जाता है। चलिए चलते हैं अब बाहर और दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर में और क्या क्या है। तो लालेश्वर महादेव से दर्शन करके हम आ गए हैं यूं यहाँ से बाहर, और आप यहाँ देख सकते हैं मृत्युंजय बावड़ी को लिखा हुआ है। इसके अंदर पानी गहरा इसलिए ज़्यादा पास न जाएं, और बावड़ी के अंदर यहाँ बीच के अंदर भी आप देख सकते हैं भगवान शिव की ये प्रतिमा, इस तरह बावड़ी के कॉर्नर्स पे बनी हुई है चार छतरियाँ। ये देखिए यहाँ छतरी पे कैसे भगवान गणेश जी आराम फरमा रहे हैं, रेस्ट वाला पोज है ये उनका। यूं देख सकते हैं बीच में विराजित हैं भगवान शिव। चारों तरफ से चार दरवाजे हैं एंट्री के, और सामने भी है एक महादेव जी का मंदिर डूंगरेश्वर महादेव, तो वहां भी चलते हैं हम। तो यहां मृत्युंजय महादेव वाली ये बावड़ी है, और वहां पे है लालेश्वर महादेव जी का मंदिर, और यहां पे है शिव जी की पंचायत। आइए ये देखिए यहाँ पे भी है भोले बाबा का इतना विशाल शिवलिंग, देख रहे हैं आप बाल्टी कितने छोटे आकार की लग रही है। और यहाँ पे है भगवान कार्तिकेय शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र, और साथ में है उनकी माता पार्वती माता। और यहाँ पे है भगवान विष्णु, यहाँ पे विराजित हैं सूर्यदेव, सात अश्वों के रथ पे आरूढ़ है, बाकी के अश्व छुपे हुए हैं वस्त्र से। और यहां विराजित है भगवान गणेश, ओम गंग गणपते नमः। चलिए अब चलते हैं वहां डूंगरेश्वर महादेव की तरफ। यहां पे भी है एक विशाल शिवलिंग बावड़ी के पास में ही, और यहां है नवग्रह मंदिर।
और महाराजा डूंगर सिंह जी ने ही है बनवाया था लालेश्वर महादेव मंदिर, इसलिए यह वाला जो मंदिर है महाराजा डूंगर सिंह जी के नाम पर है। ये देखिए कब प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, यह भी लिखा हुआ है वैशाख शुक्ला द्वितीय विक्रम संवत 1939। आइए दर्शन करते हैं। यहाँ है दो दो नंदी भगत, यहाँ पे द्वार पे है ताला, लेकिन हम यहाँ से दर्शन कर सकते हैं, आप भी दर्शन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ लालेश्वर महादेव मंदिर जो है बीकानेर में स्थित, यहाँ पे आपको दर्शन करके आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। इसी के साथ ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रहा है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।